हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियस ऑरा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्लास्गो कोमा स्केल। सो ग्लास्गो कोमा स्केल के बारे में आपने न्यूरोलॉजी में पढ़ा होगा। सो ग्लास्गो कोमा स्केल इज़ अ क्लिनिकल स्केल यूज टू रिलायबली मेजर अ पर्सनस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर अ ब्रेन इंजरी। सबसे पहले तो ये GC स्केल जो होता है ये क्लिनिकल स्केल है, मीन्स ये क्लिनिकल सेटिंग्स में ही यूज़ किया जाता है, इन दी हॉस्पिटल सेटिंग्स। और मोस्टली आपने देखा होगा कि ये न्यूरोलॉजी में या न्यूरोलॉजिकल वार्ड्स में यूज़ किया जाता है। ओके, सो इट इज़ क्यों यूज़ किया जाता है, ये किसी भी इंसान के लेवल ऑफ़ कॉन्शियसनेस देखने के लिए। कोई भी ब्रेन इंजरी हुई है तो उसके बाद जो लेवल ऑफ़ कॉन्शियसनेस होता है वो ऑल्टर हो जाता है, तो उसे मेज़र करने के लिए हम GCS स्केल का यूज़ करते हैं। ओके, अब GCS स्केल में तीन मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, थ्री मेन एलिमेंट्स होते हैं इसमें, आई, वर्बल और मोटर। ठीक है, तो इसमें हम आई मूवमेंट देखते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं और मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं किसी भी पर्सन का, सो दैट हमें पता चल जाता है कि उसका GCS स्कोर कितना है। ओके, नाउ GCS स्कोर जो है वो मिनिमम कितना हो सकता है, 3, और मैक्सिमम हो सकता है 15। कैसे, क्योंकि जो GCS में थ्री एलिमेंट्स होते हैं मैंने आपको बताया, जिसमें आई, वर्बल और मोटर एलिमेंट्स होते हैं तीनों। सो आई में जो इन तीनों में ही जो मिनिमम स्कोर होता है वो 1-1 स्कोर होता है, तो इन तीनों के स्कोर्स को जब हम 1 को प्लस करेंगे तो मिनिमम स्कोर जो है वो 3 आता है टोटल, इन टोटल GCS में। एंड इन तीनों के जो मैक्सिमम स्कोर्स को हम जब सम करते हैं तो मैक्सिमम जो है GCS वो 15 स्कोर आता है। GCS स्कोर हमें पता कैसे चलता है कि जब भी हम इन तीनों एलिमेंट्स के जितने भी स्कोर हमने मेज़र किए हैं, ठीक है, उन तीनों को जब हम सम कर लेंगे तो वो GCS स्कोर होता है हमारा। ओके, जिससे हमें पता चलता है कि एक्सटेंट ऑफ ब्रेन इंजरी कितनी हुई है, या फिर जो पर्सन है वो कितना, मतलब उसकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो कितना है। ओके, सो ग्लास्गो कोमा स्केल इज़ मोस्ट कॉमन स्कोरिंग सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन अ पर्सन फॉलोइंग एट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। कोई भी अगर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, ब्रेन पे कोई भी ट्रॉमा होता है, सबसे पहले जो हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है वही अल्टर होता है। ठीक है, सो उसके लिए हमें GCS जो है वो देखना होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मेजर करने के लिए किसी भी, जिससे कि हमें ब्रेन इंजरी जो है ना उसकी सीवियरिटी का भी पता चल जाता है। सो इसमें एडल्ट में हम सबसे पहले एडल्ट में देख लेते हैं, तो इसमें जो तीन एलिमेंट्स होते हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं आई ओपनिंग। आई ओपनिंग में जो होते हैं मैक्सिमम स्कोर 4 होते हैं। ओके, सो मैक्सिमम में 4 होता है, तो 4 जो फोर्थ 4 पॉइंट है वो हम कब देंगे, जब भी स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग हो रही है किसी भी इंसान की। फॉर एग्जांपल, जैसे हम नॉर्मली स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग करते हैं, अपने आप से आँखें खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ों को देख रहे हैं, सराउंडिंग्स को, तो स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग में हम 4 पॉइंट्स देते हैं। देन 3 पॉइंट्स विल बी गिवन टू साउंड, अगर आई ओपनिंग हो रही है तो साउंड, ठीक है, जैसे कि हमने पेशेंट से बोला, लाइक जो भी नाम है पेशेंट का, मिस्टर एक्स वाई जेड, कैसे हो आप, आँखें खोलिए, देखिए इधर, ठीक है, अगर वो साउंड पे रिस्पॉन्स कर रहा है, आइज़ ओपन कर रहा है, तो हम उसे 3 पॉइंट्स देंगे। लेकिन अगर वो साउंड पे भी आइज़ ओपन नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम प्रेशर लगा के देखेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे उसके आइज़ पे, पेरिओर्बिटल एरियाज़ पे। सो अगर वो उस प्रेशर पे जो है आइज़ ओपन करता है तो हम उसे 2 पॉइंट्स देंगे, अगर वो उस पे भी आइज़ ओपन नहीं कर रहा है तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। ओके, विच इज़ द मिनिमम पॉइंट। और नॉन टेस्टेबल क्या होता है, जब हम टेस्ट ही नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल कोई आई ट्रॉमा हो गया है, ठीक है, फेशियल फ्रैक्चर्स वगैरह की वजह से, जिसकी वजह से आइज़ ओपन नहीं हो पा रही है, या पेशेंट फुली कोमाटोज है, हमें पता है अनकॉन्शियस है, तो वो आइज़ ओपन नहीं कर सकता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नॉन टेस्टेबल। ओके, नेक्स्ट होता है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट्स कितने होते हैं, 5। सो हम 5 पॉइंट कब देंगे, जब पेशेंट इज़ ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। जब भी पेशेंट ओरिएंट होता है टाइम, प्लेस एंड पर्सन से, अपनी सराउंडिंग से ओरिएंटेड होता है, तो हम उसे 5 पॉइंट्स देंगे। ठीक है, वो मतलब ठीक से बात कर रहा है, वो स्पॉन्टेनियसली वो बात कर रहा है और हमें समझ भी आ रही है उसकी बातें। देन अगर पेशेंट जो है वो थोड़ा कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, वो बात तो कर रहा है बट ही इज़ कन्फ्यूज्ड, सो हम उसे 4 पॉइंट्स देंगे। बट अगर पेशेंट कुछ वर्ड्स बोल रहा है बट वो कोहेरेंट नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा कि पेशेंट क्या कहना चाहता है, सो वी विल गिव 3 पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट सिर्फ कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई वर्ड्स भी नहीं बोल रहा है, ओके, देन यू विल गिव 2 पॉइंट्स। मतलब कुछ पेशेंट्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा, लाइक उनकी कॉन्शियसनेस जो है ना बहुत ज़्यादा ऑल्टर हो जाती है, जिसकी वजह से वो वर्ड्स भी नहीं बोल पाते हैं, वो बोलना चाह रहे हैं बट वो बोल नहीं पा रहे हैं और कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, सो उसमें हम 2 पॉइंट्स देते हैं। देन अगर पेशेंट कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, देन वी विल गिव 1 पॉइंट। ओके, इसमें भी एंटी होता है, नॉन टेस्टेबल,
कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हम वर्बल रिस्पॉन्स को टेस्ट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है, ठीक है, ईटी ट्यूब लगी हुई है पेशेंट को, तो ऑब्वियसली ही कैनॉट स्पीक, वो कुछ नहीं बोल पाएगा. तो हम उसे फिर वहाँ पे एंटी नॉन टेस्टेबल कंडीशन हो जाएगी है. देन मोटर रिस्पॉन्स. मोटर रिस्पॉन्स में जो मैक्सिमम पॉइंट होते हैं वो होते हैं 6 पॉइंट्स. ओके, सिक्स पॉइंट हम कब देंगे पेशेंट को? जब ही ओबेज कमांड. जो भी हम कमांड दे रहे हैं वो फॉलो कर रहा है, उसे ओबे कर रहा है, तो हम 6 पॉइंट देंगे. फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं हाथ उठाओ, ठीक है, तो वो हाथ उठा रहा है, हाथ नीचे रखने को बोल रहा है, हाथ नीचे रख रहा है, तो वो हमारी कमांड्स को फॉलो कर रहा है. सो विल गिव 6 पॉइंट्स. ओके, देन 5 पॉइंट्स हम कब देंगे? जब वो पेन को लोकलाइज कर रहा है. हम कोई भी पेन या फिर थोड़ा सा प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, सो वो उसे लोकलाइज कर पा रहा है, देन 5 पॉइंट्स. अगर वो पेन पे नॉर्मल फ्रैक्शन शो करता है, देन 4 पॉइंट्स. अगर वो अबनॉर्मल फ्रैक्शन डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, देन 3 पॉइंट्स. और अगर वो एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है, हम पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं और पेशेंट जो है वो एक्सटेंशन शो कर रहा है, देन विल गिव 2 पॉइंट्स. और अगर वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, देन 1 पॉइंट. इसमें भी नॉन टेस्टेबल हो सकता है, कोई लाइक फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह के फ्रैक्चर्स या फिर और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है जिसमें हम मोटर रिस्पॉन्स को टेस्ट नहीं कर पाएंगे. देन अब हमें GCS स्कोर से पता कैसे चलेगा कि एक्सटेंट ऑफ ब्रेन इंजरी कितनी हुई है? तो ब्रेन इंजरी को हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड. ठीक है, माइल्ड कंडीशन में क्या होता है, अगर GCS जो स्कोर है वो 13 या 13 से ज़्यादा है, 13, 14, 15 की रेंज में जितना भी हो, तो वो माइल्ड इंजरी होती है. ठीक है, फिर मॉडरेट आ जाती है, अगर 9 to 12 के बीच में GCS है तो वो मॉडरेट इंजरी है. और अगर सीवियर कब होती है? जब 8 से 9 या फिर उससे कम है, ठीक है, तो वो सीवियर ब्रेन इंजरी होती है. ओके, सो इसमें तो पेशेंट जो है वो कोमाटोस हो जाता है. देन अब कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें हम टेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम वर्बल रिस्पॉन्स जो है वो इंट्यूबेटेड पेशेंट्स में हम मेज़र नहीं कर सकते हैं. तो उनके लिए हम क्या करें? हम फिर GCS स्कोर कैसे लिखेंगे? वैसे तो हम क्या करते हैं, ई का स्कोर, वी का स्कोर एंड एम का स्कोर लिख देते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख सकते हैं लाइक ई फोर वी फाइव एम सिक्स, यही स्कोर होता है नॉर्मली. सो अगर कोई पेशेंट इंट्यूबेटेड है तो हम उसके लिए कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे E4VT M6. वी टी क्यों? वी सब्सक्रिप्टम टी लिखेंगे क्योंकि वो इंट्यूबेटेड है. ओके, देन अब इंट्यूबेटेड पेशेंट के लिए मैक्सिमम GCS स्कोर है वो 10T हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम नॉर्मली क्या होता है, 15 होता है. अब वर्बल रिस्पॉन्स तो उस पेशेंट की आ नहीं पा रही है, तो वर्बल में मैक्सिमम पॉइंट कितना होता है? 5 होता है, तो हम 15 में से 5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 10T जो है वो मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा. देन मिनिमम स्कोर उसका 2T हो जाएगा, बिकॉज मिनिमम वर्बल 1 होता है, तो हम मिनिमम में से भी 1 माइनस कर देंगे, तो मिनिमम जो है GCS स्कोर वो 2T हो जाएगा फॉर द इंक्यूबेटेड पेशेंट. ओके, सो आई होप आप यहाँ तक समझ गए हो. नाउ वील डिस्कस अबाउट द चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रंस में क्या होता है कि हम लोग वही एडल्ट वाला GCS स्केल जो है मोस्टली उसी को मॉडिफाई करके हम चिल्ड्रन पे यूज़ करते हैं, बिकॉज जो बहुत छोटे बच्चे हैं लाइक इन्फेंट्स वगैरह, तो उन पे हम जो ये GCS मेज़र नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमने थोड़ा बहुत उसे मॉडिफाई किया जिससे कि हम समझ सके. अब छोटे बच्चे तो बोल नहीं सकते, तो हम उनका वर्बल रिस्पॉन्स कैसे समझेंगे, उनका मोटर रिस्पॉन्स का हम कैसे समझ पाएंगे, तो उन चीज़ों के लिए हमने थोड़ा बहुत इसे मॉडिफाई किया है. सो नाउ फर्स्ट एलिमेंट इज़ आई ओपनिंग. सो आई ओपनिंग में यहाँ भी मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो 4 ही हैं. सो फोर्थ पॉइंट है स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग के लिए. अगर स्पॉन्टेनियसली बच्चा आँखें खोल रहा है, बंद कर रहा है, तो हम उसे 4 पॉइंट देंगे. अगर हमने वॉइस प्रोड्यूस किया, लाइक हम बोल रहे हैं किसी बेबी से, हेलो इधर देखो, ठीक है, या फिर हम, ज़रूरी नहीं है कि हम बात ही करेंगे उससे, कोई भी साउंड प्रोड्यूस करो आप, लाइक बच्चे के टॉयज़ के साउंड होते हैं उस पर भी वो रिस्पॉन्स करता है अगर आइज़ ओपन कर रहा है, या फिर हमारे बोलने पर आइज़ ओपन कर रहा है, तो हम उसे 3 पॉइंट्स देंगे. ओके, देन अगर वो बोलने पर आइज़ ओपन नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली हम थोड़ा बहुत उसकी आइज़ पे जो है प्रेशर लगा के देखेंगे. अगर प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो आइज़ ओपन कर रहा है, देन विल गिव 2 पॉइंट्स. और अगर उसके बाद भी आइज़ ओपन नहीं हो रही है, देन 1 पॉइंट. एंड एनटी फॉर नॉन टेस्टेबल. नॉन टेस्टेबल कंडीशंस वही होंगी बच्चों में भी जो कि मैंने एडल्ट्स में बताई थी आपको. देन वर्बल रिस्पॉन्स. वर्बल रिस्पॉन्स में अब वर्बली हम बच्चे को बात करनी तो आती नहीं है,
वो वर्ड्स नहीं बोल सकता, सेंटेंस नहीं बोल सकता, तो हम उससे कुछ बुलवा नहीं सकते। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि हम वोवल रिस्पॉन्स में 5 पॉइंट कब देंगे, जब बच्चा स्माइल कर रहा है। स्माइल अगर कर रहा है तो वो ओरिएंटेड है साउंड से, या फिर ऑब्जेक्ट्स को फॉलो कर रहा है, इंट्रैक्ट कर रहा है, टॉयज़ के साथ खेल रहा है, लोगों के साथ इंट्रैक्ट कर रहा है। स्माइलिंग मोस्टली बच्चा जो है वो स्माइल से ही इंट्रैक्ट करता है। सो हम इसमें 5 पॉइंट देंगे, विच इज़ द मैक्सिमम ऑफ द वोवल रिस्पॉन्स। ओके, देन 4 पॉइंट्स हम कब देंगे, जब बच्चा ही क्राइज, बच्चा रो रहा है बट कंसोलेबल है। ओके, इनअप्रोप्रिएट इंट्रैक्शंस कर रहा है, इंट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन इनअप्रोप्रिएटली इंट्रैक्ट कर रहा है, तो हम उसे 4 पॉइंट्स देंगे। देन 3 पॉइंट्स जब वो इनकंसिस्टेंटली इनकंसोलेबल है या फिर मॉर्निंग कर रहा है, तो हम उसे 3 पॉइंट्स देंगे। देन 2 पॉइंट्स व्हेन द चाइल्ड इज इनकंसोलेबल या फिर एजिटेटेड है चाइल्ड बहुत ज़्यादा, तो हम उसे 2 पॉइंट्स देंगे। अगर वो इनमें से कोई भी वर्बल रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम 1 पॉइंट देंगे। एंड NT4 नॉन टेस्टेबल, नॉन टेस्टेबल के लिए वो बच्चे भी आ सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लाइक बेबी, बिल्कुल लाइक प्रीटर्म बेबीज़ होते हैं जो, या फिर इंट्यूबेटेड होते हैं बेबीज़। ओके, तो हम उनमें ये सब टेस्ट नहीं कर सकते हैं। देन मोटर रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 6 होता है, मैक्सिमम पॉइंट 6 होता है। तो 6 पॉइंट हम कब देंगे, व्हेन द चाइल्ड मूव स्पॉन्टेनियसली और पर्पसफुली, जब कोई भी जो चाइल्ड है वो मूवमेंट कर रहा है, स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट कर रहा है, पर्पसफुली मूवमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमने एक कोई भी टॉय दिया और बेबी उसे ग्रैस्प कर रहा है, तो वो स्पॉन्टेनियसली ग्रैस्प कर रहा है पर्पसफुली, क्योंकि उसे पता है कि मुझे इस टॉय से खेलना है। ओके, सो वो उस कंडीशन पर हम उसे 6 पॉइंट देंगे। देन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम टच करके देखेंगे। अगर हम बेबी को टच कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहाँ वो लोकलाइज कर पा रहा है टच को, उसे पता है हमने बेबी की जो है वो सोल्स पे टच किया और वो लोकलाइज कर पा रहा है उसे, तो वी विल गिव 5 पॉइंट्स। ओके, देन हम थोड़ा बहुत प्रेशर को इनक्रीज करेंगे, लाइक पेन विल प्रोड्यूस पेन। अगर जो बेबी है वो विड्रॉ कर रहा है पेन से, नॉर्मल फ्लैक्शन हो रहा है, तो हम 4 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। और अगर अबनॉर्मल फ्लैक्शन हो रहा है, वो पेन की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है, देन विल गिव 3 पॉइंट्स। और अगर एक्सटेंशन हो रहा है, नॉर्मली पेन के लिए फ्लैक्शन होना चाहिए और अगर एक्सटेंशन हो रहा है, तो हम उसे 2 पॉइंट्स देंगे। और अगर इनमें से कोई भी मोटर रिस्पॉन्स नहीं आ रही है, देन विल गिव 1 पॉइंट। एंड NT4 नॉन टेस्टेबल। सो आई होप आपको GC स्केल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।